हाय, प्लीज कम एंड कैंडल ऑफ नॉलेज। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं हूँ रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, हमने शुरू किए हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और आज हमारी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की पार्ट नंबर टू है। तो पार्ट नंबर टू में हम सीखेंगे कि अनार्की क्या होती है और इसके अलावा डिक्टेटरशिप क्या होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबा का नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, अनार्की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनार्की क्या है। अनार्की इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर इज नो सेंट्रल पावर गवर्निंग अथॉरिटी बट एवरीवन इज एट फुल लिबर्टी। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास अनार्की का मतलब ये है कि अनार्की इज दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अनार्की एक ऐसा गवर्नमेंट होता है वेयर देयर इज नो सेंट्रल पावर, जहाँ पर कोई यानी कि मरकजी कुव्वत, मरकजी ताकत ना हो, गवर्निंग अथॉरिटी ना हो, यानी कि हुकुमरान ना हो। फिर क्या कहते हैं कि बट एवरीवन इज एट फुल लिबर्टी, लेकिन हर कोई क्या हो, फुल आज़ाद हो, फुल लिबरल हो। तो दोस्तों, ये हमारे पास क्या होती है, अनार्की होती है। दोस्तों, अनार्की के यहाँ पर हम लिख सकते हैं अफरा तफरी, ठीक है दोस्तों, अफरा तफरी, ठीक है दोस्तों। ये अफरा तफरी का निज़ाम होता है जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना होता है, कोई सेंट्रल पावर नहीं होती है और जो सिस्टम होता है वो खुद ही चलता रहता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, अनार्की होती है। अब इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है वो है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, द सिस्टम वेयर देयर रूलर इज एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और अपोजिशन। दोस्तों, डिक्टेटरशिप हमारे पास वो सिस्टम है जहाँ पर रूलर क्या हो, एन एब्सोल्यूट, जहाँ पर एक रूलर एब्सोल्यूट डिक्टेटर हो, यानी कि जो रूलर होता है, जो हुक्मरान होता है, उसके हाथों में यानी कि पूरी ताकत होती है, जो रिस्ट्रिक्ट यानी कि जो मना ना होता हो, जो ना रोका जा सके बाय एनी लॉ, कोई भी ला से, कोई भी कानून, कोई भी ला, कोई कानून उसको ना रोक सके, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन उसके ना रोक सके, और अपोजिशन जिसका कोई अपोजिशन यानी कि ना हो, यानी कि जिसका कोई अपोजिट ना हो, जो इस डिक्टेटरशिप यानी कि जो एब्सोल्यूट डिक्टेटर हो, यानी कि जो रूलर होता है, जो डिक्टेटरशिप यानी जो डिक्टेटरशिप का जो निज़ाम होता है उसमें जो रूलर होता है उसको कोई रूल, कोई लॉ, कोई अपोजिशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, डिक्टेटरशिप होता है। दोस्तों, ये ऐसा निज़ाम होता है जहाँ पर एक रूलर है जो कि जबीराना, जो कि अमराना हुकूमत करता है, जहाँ उसको कोई ला, कोई कानून उसको रोक ना सके। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें कोई रूलर होता है, वो जो उसके माइंड में आता है, जो समझ में आता है, जो वो चाहता है वही करता है, जो उसकी ताकत के बलबूते पर वो हुक्मरानी करता है, अगर इस तरह वो निज़ाम चलता रहा तो ये हमारे पास वो निज़ाम क्या कहलाएगा, डिक्टेटरशिप कहलाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने जाना कि अनार्की और डिक्टेटरशिप क्या होते हैं। अगर फिर भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।